मेरा नाम भूपिंदर सिंह है और मैं एक सिख बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। और कुछ साल पहले मैं जब दिल्ली में आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था और कुछ मजबूरियों के कारण मुझे कुछ पैसा कमाने के लिए बहुत से गलत कामों को करना पड़ा और जिसके चलते हुए मेरी सारी जो ज़िंदगी थी वो एक गैंगस्टर के रूप में बदल गई, जिसके अंदर की मैंने एक छोटी सी चोरी से उस काम को शुरू किया और उसके बाद डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, ये सब जो चीज़ें थी हमारे जीवन का हिस्सा बन गई क्योंकि पैसे की बड़ी ज़रूरत थी और ये एक ऐसा काम था कि जिससे आप जल्दी से पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस लाइन में आकर के इस लाइन के अंदर हम बढ़ते चले गए और मेरा एक अपना ग्रुप था जिसमें 6-7 लड़के थे और संसार में सिर्फ एक मन के अंदर बात रहती थी कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से बढ़कर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब 1997 के अंदर हमने एक किडनैपिंग करी, उस किडनैपिंग के अंदर बाई चांस उस आदमी का मर्डर हो गया तो वो जितने भी हमारी सोचें थी और ज़्यादा पैसा कमाने की वो ख़त्म हो गई क्योंकि उसके बाद मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया और तिहाड़ जेल में भेज दिया। और वहाँ पर जाकर मन में फिर कुछ विचार आए और अपने रिलीजन में मैं बिल्कुल पक्का था, आस्था रखता था क्योंकि बचपन से हम उसी में बड़े पले थे। और जब मेरी वाइफ उस समय बाहर थी, बच्चे भी बाहर थे, तो एक दिन ऐसा समय आया कि बाहर उनको किसी पास्टर ने यीशु मसीह के बारे में बताया और वो उन पास्टर को लेकर के प्रिजन के अंदर आई मुझसे मुलाकात करने के लिए। और जब वहाँ पर आए तो मुझे उस पास्टर को देखकर बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता था, तो मेरी थिंकिंग थी कि जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं पंजाब के अंदर वो शेड्यूल क्लास या बैकवर्ड क्लास आते हैं और हम तो ऊँची जात के हैं। लेकिन उस पास्टर ने मेरे लिए प्रेयर करी और 1997 अगस्त में ही जब मैं बिल्कुल निराश हो चुका था और टूट चुका था, तब मैंने खड़े होकर एक बार यीशु मसीह को पुकारा कि प्रभु अगर तू है तो मुझे इस जेल से निकाल दे। और प्रभु ने उस समय आवाज़ को सुना और तकरीबन 15 दिन के अंदर ही प्रभु ने मुझे उस जेल से रिहाई दे दी। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदारा और उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो प्रभु ने एकदम जीवन में तब्दीली ला दी। मैं शराब बहुत पीता था, सिगरेट बहुत पीता था, परमेश्वर ने उन तमाम बुरी आदतों से मुझे छुटकारा दिया। और सबसे मेन चीज़ कि मुझे गुस्सा बहुत आता था जिसके कारण कि मैं उस क्रिमिनल लाइन के अंदर चला गया। लेकिन उस समय प्रभु ने इन सब चीज़ों को ऐसे अंदर से ख़त्म कर दिया कि मुझे खुद अपने जीवन के ऊपर ताज्जुब होता था कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। प्रभु ने, यीशु ने अपने लहू से धो करके मुझे ऐसा साफ किया कि मेरी जिंदगी ही बदल दी। प्रभु यीशु मसीह का पैगाम सबके लिए है, वो जो लोग कैद खाने में बंद हैं और वो जो लोग संसार में हैं। जो प्रिजन के अंदर लोग हैं वो जंजीरों में हैं या उन चार दीवारी के अंदर बंद हैं क्योंकि उन्होंने गुनाह किया है और उनका जो जीवन है वो फंसा हुआ है। बहुत से लोग आज पैसे के पीछे दौड़ लगा रहे हैं और वो पैसे का जो नतीजा इतना भयंकर होता है, जैसे मेरे जीवन में हुआ कि पैसे की दौड़ के अंदर मैं उस जेल के अंदर तक पहुंच गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में जो जेल में तो बंद हैं लेकिन उनकी जेल फर्क है। वो अपने विचारों में, अपनी गंदी आदतों में, जो संसार के बुरे बुरे काम हैं, संसार के अंदर रहते हुए भी उनकी दौड़ जो पैसे के लिए है और वो पैसा जो है उनको उस रास्ते पे पहुंचाता है जहां से मैं निकल करके आया हूं। और लेकिन यीशु मसीह है जो हमें उन सभी चीज़ों से छुटकारा दे सकता है, उस कैद से आज़ाद कर सकता है। और अजीजो, ये आज़ादी बड़ी ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो सदा का जीवन आए, अनंत काल का जीवन आए। तो ज़रूरी है कि हम यीशु के पास आए और उसे अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण करें क्योंकि जिंदगी उसी के पास है, सदा का जीवन उसी के पास है।